Hello everyone. Once again, welcome in our Bharat Scouts and Guide Mind Gym Initiative, जो आप सब के लिए हम लेके आते हैं हर संडे को 5:30 पे. So welcome in our episode. और आज जो हमारा एपिसोड है, आप सभी जानते हैं वो हमारा एपिसोड नंबर 11 है. तो सबसे पहले हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं कि आप प्लीज जाइए हमारे साइट पर और यूट्यूब पर जरूर हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड के सारे योगा से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखिए और स्पेशली माइंड जिम तो जरूर देखिए, क्योंकि आज आप हैं एपिसोड 11 पे हमारे साथ और मैं आपकी माइंड जिम इंस्ट्रक्टर प्रीति स्वामी जो आपको आज फिर लेके जा रही हूँ उसी जर्नी पे जहाँ पर आपके मन को दुरुस्त करना है जी. और जब मन दुरुस्त तो तन तंदुरुस्त, यस यही टैगलाइन के साथ हम हमेशा जुड़ते हैं और इसी के साथ हम आज आपकी ये क्लास को शुरू करते हैं. क्योंकि जो जिम है, जिम में क्लासेस होती हैं, जिम में एक्सरसाइजेस होती हैं, तो हम कैसे ना करें. तो यही शुरुआत के साथ आप सभी जानते हैं कि जो लोग हमसे पहले भी जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जरूर बनता है. थैंक यू सो मच, आपको बिग सल्यूट है हमारी तरफ से कि आप लोग बड़ी शिद्दत से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और व्यूज देते हैं और तो कमेंट्स भी देते हैं. मुझे बहुत पसंद आते हैं आपके कमेंट्स, देखिए आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो होते हैं, ऑसम मैम और ट्रूली स्पीकिंग, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं. मैं नाम अभी नहीं ले सकती हूँ आप लोगों का, लेकिन आपकी बातें सब दिल तक हमसे पहुँचती हैं और हमारी आप तक. तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने मन को दुरुस्त करने के लिए फिर से आए हैं अपने माइंड जिम के एपिसोड नंबर 11 में. तो दोस्तों आज हम आपको फिर से एक नई ट्रिक, नई एक्सरसाइजेस के साथ माइंड की जो राइट और लेफ्ट ब्रेन से एसोसिएटेड है वो लेके आए हैं. आप सभी जानते हैं ना कि हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन की एक्टिवेशन बहुत जरूरी है. हम डे 1 से लेकर आज डे 11 तक आपसे यही बात कह रहे हैं कि दोनों का चलना बहुत बहुत जरूरी है. अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी राइट हैंड वाला व्यक्ति होता है उसे राइट हैंड से करने में बहुत इजी लगता है और लेफ्ट हैंड से उसको दिक्कत होती है, और जो लेफ्ट हैंड वाला होता है उसे लेफ्ट हैंड से करना अच्छा लगता है राइट हैंड से नहीं. लेकिन अगर हम बस ये सोच लें कि हमें दोनों हाथों से काम करना है, तो आप ये देखेंगे कि दोनों हाथों का जो तालमेल है वो आपके दोनों ब्रेन से कनेक्टेड है और ये दोनों ब्रेन का तालमेल आपसे कनेक्टेड है. और जब दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं तो कहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, कहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट, कहाँ पे आपके लॉजिकल रीजनिंग और ऐसे बहुत सारे हिडन पैरामीटर्स खुलने लगते हैं, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, और आपके अंदर वो सब चीजें दिखने लगती हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं थे कि ये मेरे अंदर है, ये क्वालिटीज तो मुझे खूबियां नजर ही नहीं आई. तो इन्हीं सबको एनलाइटन करने के लिए हम आते हैं आपके पास इस एक्सरसाइज को लेकर जो है हमारा पार्ट 1 ऑफ द माइंड जिम, जिसमें राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं. ये एक्सरसाइज मैं आपको नहीं सिखाती, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आपको सिखाते हैं जो बहुत अलग तरीके से प्रैक्टिसेस करते हैं और अपने रूटीन लाइफ में इसको लाते हैं. और बेस्ट थिंग इसका ये है कि ये बच्चे जब इनसे एक्सरसाइजेस के दौरान उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लगता है, तो दे यूज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस दैट मैम बाय डूइंग इट डेफिनेटली वी फील गुड, वी फील वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज अदर्स कैन नॉट डू इट सो फास्ट एंड सो ऑफनली एज वी पीपल आर डूइंग. तो उनको अच्छा लगता है, तो आपके अंदर भी वो पावर आ सकती है. आप ये एक्सरसाइजेस हमारे बच्चों से सीखिए आज एपिसोड 11 की और देखिए कि आप थोड़े से अलग हो सकते हो औरों से. क्योंकि जब भी आप दूसरों के सामने करते हो, चाहे वो बनी रैबिट वाली एक्सरसाइज है, चाहे हमारी वो ये वाली एक्सरसाइज है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज जब हम दूसरों के सामने करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ये इस हैंड से ये और दूसरे हैंड से कैसे कर सकते हैं, एक हैंड से स्क्वायर बना रहे हैं, एक हैंड से ट्रायंगल बना रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल. और ये यही पे आपको अलग सा थोड़ा सा स्टैंड आउट कर सकता है. ये हमारी जो माइंड जिम की एक्सरसाइज है ये वाला, या आप बर्थडे पार्टीज भी कर सकते हैं, आप कहीं गेट टुगेदर करते हैं, चैलेंज रखिए कि देखते हैं कौन किससे सबसे ज्यादा करेगा. तो सोचिए आपकी आप अलग से भी लगेंगे, फिर आप ही कह सकते हैं कि जी मैं तो माइंड जिम को फॉलो करता हूँ और उसी से मैंने सीखा है और मेरा माइंड तो अलग है, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना. तो और लोग भी आपसे सीखेंगे. तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपना पार्ट 1 लेके आए हैं जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आपके लिए लेके आए हैं. तो उन्हीं के पास स्ट्रेट अवे चलते हैं और उन्हीं से सीखते हैं. Hello everyone, my name is Namita Vij and here I am back with another Mind Gym activity. Thank you. Hello everyone, I am Namika Sharma and this is my Mind Gym exercise. Thank you.
जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि कितनी इजीली हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने हमें ये माइंड जिम का ये फर्स्ट एक्सरसाइज करके दिखाया, कितना सिंपल है ना, और हम सब मिलके कर सकते हैं। बिल्कुल हम करेंगे और अपने माइंड को दुरुस्त रखेंगे। आते हैं हम आज अपने एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस पे। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पहले अष्टांग योग से जुड़े और हमने बहुत अच्छी तरह से यम नियम आसन और उस सब चीजों को फॉलो किया। आज हम आपसे जुड़ रहे हैं एक नई फिलॉसफी, एक नए प्रोसेस के साथ जिसको हम कहते हैं षट संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, षट संपत्ति है क्या और क्यों जरूरी है, पहले आइए उसको समझ लेते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है और वो हमें कैसे बेनिफिशियल होगा वो बातों को समझते हैं। तो देखिए हम सब कौन है, हम एक फिट इंस्ट्रूमेंट है गॉड के। जी हाँ, हम सब गॉड के तो इंस्ट्रूमेंट है, गॉड ऊपर से डायरेक्शन दे रहा है, हम सब काम कर रहे हैं, है ना। सो अगर हम इंस्ट्रूमेंट अनफिट होंगे तो हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको कैसे कैच कर पाएंगे। और अनफिट होने का मतलब है जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इवन हम इमोशनली जब अनफिट होते हैं तो फिर हम कैच नहीं कर पाते हैं और वीक महसूस करते हैं। तो अगर हमें पावरफुल बनना है, अगर हमें बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है उसका, तो हमें हमेशा अपने आप को क्या रखना है, फिट रखना है। और इसके लिए जो फिटनेस की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो हमारे बहुत बहुत साधना चतुष्टया में हमें बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, साधना चतुष्टया अगर आप जानते हैं तो योगा की वो प्रैक्टिसेस हैं जो एंशिएंट दौर से चली आ रही हैं, उसको हम इन एपिसोड्स में आपसे डिस्कस करेंगे। साधना चतुष्टया का मतलब क्या है, ये फोर फोल्ड वेज में हमें हेल्प करती है, ये सेल्फ कंट्रोल को हमारे बढ़ाती है। देखिए आज के जमाने में सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं दूर जा रहा है। क्लींजिंग वन सेल्फ, वी शुड बी क्लीन आवर सेल्फ थ्रू दैट। जैसे हम किसी कपड़े को साफ करते हैं, किसी बर्तन को साफ करते हैं क्लींजिंग प्रोसेस से, ऐसे माइंड जिम में आप इन बातों को जब इनवाइट करते हो तो आपका क्लींजिंग प्रोसेस शुरू होता है, आपकी प्योरिफिकेशन इसमें होने लगती है, एंड यू मेक योरसेल्फ फिट। यस, फिट टू हैव अ डिवाइन टचिंग। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेके आज हम आपके साथ आए हैं साधना चतुष्टया के उस पार्ट में जहाँ पर हम फोर प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। जी हाँ, वो फोर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं और उसमें से कौन सी प्रैक्टिस हम इस एपिसोड में ले रहे हैं वो बताते हैं आपको। तो ये जो फोर प्रैक्टिसेस हैं वो है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये चारों चीजें हम आपसे अलग अलग एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने विवेक की। तो विवेक है क्या, विवेक मीन्स इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट का क्या रीजन है, क्यों है, आइए इसको समझते हैं। तो विवेक की जैसे हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो विवेक है क्या और इंटेलेक्ट का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, आइए इसको पहले समझते हैं। तो विवेक क्या करता है, विवेक इंटेलेक्ट हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में कि क्या सच और क्या झूठ है, है ना, क्या सच है क्या झूठ है, कौन सच है और कौन झूठ है, किसके साथ हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, किसके साथ हमें नहीं रहना चाहिए, ये सारी बातों को विवेक हमारा हेल्प करता है। द मीनिंग इज आई हैव इमीडिएटली डिफरेंशिएटेड बिटवीन द काइंड ऑफ लाइफ आई विश एंड द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव अकस्टम्ड टू। मुझे क्या जिंदगी मिली है और मैं क्या दे सकता हूँ जिंदगी को या जी सकता हूँ, ये सारी की सारी बातें हमें कौन सिखाता है, विवेक सिखाता है। वो डिफरेंशिएट करना सिखाता है, वो जिंदगी जीने के इस पहलू को सिखाता है कि क्या नेसेसरी है हमारे लिए, क्या नहीं है। अब जब हम इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को साथ लेते हैं तो हम अपने ऊपर काम करते हैं और यही हमारा विवेक है। तो दोस्तों आज हम आपको माइंड के विवेक से मिलवा रहे हैं, इंटेलेक्ट से मिलवा रहे हैं जो हमारे को हमेशा प्योरीफाई करता है अगर हम सही विवेक को यूज करते हैं, अगर सही इंटेलेक्ट के पोर्शन को यूज करते हैं, अगर हम सही देख लेते हैं कि ये मेरे लिए सही है, ये गलत है, ये मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो फिर हम इस विवेक के थ्रू अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट होता हुआ महसूस करते हैं। आप बहुत एनलाइटन फील करते हो, आप बहुत लाइट फील करते हो और आपके अंदर एक अलग सी नूर, एक अलग सी खुशनुमापन होता है। तो उसको एक्सप्लोर कीजिए और अपने विवेक को इस नहीं में जाने दीजिए। अगर कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी इधर उधर हो रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से विवेक से काम लीजिए एंड डोंट रिकॉल योर पास्ट इंसिडेंट, जस्ट लीव इट देयर एंड स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। कितना इजी है ना, तो सब हम एनलाइटन हो सकते हैं इजीली अपने इस विवेक के पार्ट से। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे दोस्तों। जो नेक्स्ट पार्ट है जो बताता है कि हीरो लाइज विद इन मी, हमारे अंदर ही वो हीरो है, हमारे अंदर ही वो गुण है माइंड का जो हमें हमेशा हीरो जैसा दिखाता है।
कौन सा है वो गुण, आइए उसको समझते हैं। हमारे पहले एपिसोड में हमने देखा जो ब्लिस है, जो नॉलेज है, वो बहुत बहुत हमारे लिए जरूरी है। ऐसे ही माइंड को पीस बहुत जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा ना दोस्तों कि शांति की जो बात है वो हर कोई कर रहा है। छोटा बच्चा कहता है मम्मा प्लीज शांति से बात करो, पापा शांति से मम्मा से बात करो, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ये बात शांति से भी तो कह सकते थे ना, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कुछ पल शांति से हमारे पास भी बैठ जाओ, है ना। ये शांति का कितना बड़ा रोल, तो ये हमारे माइंड की पुकार है। ये वो माइंड का वो क्वालिटी है जो हम सबको चाहिए दोस्तों। माइंड की वो क्वालिटी है पीस। और पीस हमें क्यों हेल्प करता है, पीस हमारे माइंड को फोकस करता है। जब हम पीसफुल होते हैं हमें सारी बातें फोकस में आ जाती हैं। मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम रहता है, कल ये प्रोजेक्ट्स हैं, कल इस तरह से होगा। When your mind is peaceful, you get and explore the new world very easily. फिर आप जब पीसफुल होते हो तो सब चीज़ों को ना एक एक ड्रामा की तरह से देखते हो। ओके ये इंसिडेंट हुआ, आई फील बैड, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा, ओके फाइन आई विल एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करने लगते हो अपने आप को, दूसरों को, आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो। When you become peaceful, when you become complete, when you become whole, आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो, आप ग्रेटिट्यूड में ज़्यादा आ जाते हो, है ना। और डिजायर एक्सपेक्टेशन सब खत्म हो जाती हैं। कितना अच्छा है ना ये हमारा प्यारा सा गुण जो हम सबके लिए है माइंड का, और वो है पीस। एंड इफ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, स्टॉप फाइटिंग विद योर थॉट। अपने थॉट से लड़ना बंद कर दो, अपने थॉट से जद्दोजहद करना बंद कर दीजिए, और फिर देखिए आप कितना पीसफुल महसूस करेंगे। तो फिर से हम रिकैप करते हैं कि हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट में अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को एम्पावर किया। फिर हमने अपने दूसरे पार्ट में अपने अष्टांग योग जो हमने पहले सीखा था, आज हम जुड़े अपने नेक्स्ट एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस में से, जिसमें हमने साधना चतुष्टया को लिया, जिसके फोर फोल्ड्स कहा जाता है, उसमें से भी हमने विवेक पोर्शन को आज लिया। और फिर हमने समझा अभी तक कि शांति पीस माइंड का कितना प्यारा संस्कार है जो माइंड को चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एक्सप्लोर योर माइंड। आज हम आपको मिलवा रहे हैं कि हमारा जो माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है, और उसमें एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, वो क्या प्रोसेस है, किस तरह से माइंड और ऑक्सीडेशन का लिंक है। आइए आपको समझाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके दिमाग से, माइंड से, बुद्धि से, जो भी आप इसको इंटेलेक्चुअल बात कह सकते हैं उनसे। तो सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है, although it's a scientific term, technical term, लेकिन आइए इसको कनेक्ट करते हैं अपने माइंड से। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्या है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली वो स्ट्रेस है जो इम्बेलेंस की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने एक्सप्लोर योर माइंड में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आज तक आपने स्ट्रेस के बारे में सुना है, आज हम बता रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। क्या आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो नहीं है? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो इम्बेलेंस की वजह से होता है। किसका इम्बेलेंस? फ्री रेडिकल्स और एंटी ऑक्सीडेंट्स की वजह से। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में वो ऑक्सीजन को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जी। तो फ्री रेडिकल्स है ऑक्सीजन कैरी करने वाले मॉलिक्यूल। जब वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, जब वो अनइवन हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से दूसरे के ऊपर अपने बैलेंसिंग के लिए दूसरे से मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसे वो चेन बनती जाती है और फिर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। मीन्स जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे माइंड के, जिसमें ऑक्सीजन कैरी रेडिकल्स हैं, वो जब इम्बेलेंस हो जाते हैं, अब वो किस वजह से होते हैं? बहुत सारी चीज़ों से होते हैं। ओवरथिंकिंग से, आपकी एडिक्शन से, आपकी कोई ना कोई फियर से, फोबिया से, एंग्जाइटी से, तो उनका मल्टीप्लाई होना बन जाता है। अब जैसे ही वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, इम्बेलेंस होने लगते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे को हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कौन रिड्यूस करता है? वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के बारे में समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो इन्हीं फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स देता है। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्रेन में, माइंड में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स देता है। अभी तक फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे थे, अब जब हम से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से हम इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो वो इम्बेलेंसिंग बन जाती है। और ये कैसे मिलती है? एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलेगा? किसी पिल खाने से नहीं मिलेगा,
हमें मिलेगा अपने आप से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम कुछ पल शांति से बिताते हैं, जब हम स्ट्रेस को साइड कर देते हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्शन में चलते हैं, तो फिर ये हमारा प्रोसेस शुरू होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो नॉर्मल है, हमारी बॉडी में चलता रहता है। जो फ्री रेडिकल्स हैं जो फाइट करते हैं हमारे पैथोजन से, और फिर इन्फेक्शन और ये सब चीजें हो जाती है हमारी बॉडी। तो बेसिकली क्या है कि हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। जो हमारे एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अननेसेसरी एक्सपोजर टू केमिकल्स, इवन एनवायरनमेंट से भी कॉन्शियस होकर चलना है, नॉट टू हैव लाइक नॉट टू गो डायरेक्टली इन द सन, सन के साथ जो एक्सपोजर होता है उसकी वजह से भी, या ओवर ईटिंग की वजह से, या प्लेंटी ऑफ स्लीप की वजह से भी हमें ये प्रोसेस में जो है बाधा डलती है। तो हमारे एंटी ऑक्सीडेंट कब काम करते हैं, जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो सोचिए आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो मल्टीप्लाई होता रहता है वो हमारे प्यारे ऑक्सीडेंट्स की वजह से, एंटी ऑक्सीडेंट्स की वजह से जो हमें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, और वो कैसे उसको बैलेंस करता है। इसीलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, माइंड जिम बहुत बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे दोस्तों, वो है बेनिफिट्स ऑफ माइंड योगा। लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, ये बताता है कि क्या आप सर्वेंट हैं या मास्टर। तो जो लोग भी हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बताते हैं कि ये वो पार्ट है माइंड जिम का जिसमें हम बताते हैं कि आपका दिमाग आपका सर्वेंट है या मास्टर है। और अगर वो आपका सर्वेंट है या मास्टर है तो वो कैसे पता चलेगा, वो हम बताते हैं अपने बेनिफिट्स ऑफ माइंड योगा से। तो देखिए, अगर आप आंसर्स को सुन रहे हैं, क्वेश्चंस को सुन रहे हैं और आपको टचिंग हो रही है, तो आपको ये भी टचिंग होगी कि आप सर्वेंट है कि मास्टर है। तो मिलवाते हैं आपसे कुछ बातों के साथ इसी सीरीज में जो बताता है कि आप मास्टर ऑफ माइंड है या फिर सर्वेंट ऑफ माइंड है। तो अगर आपके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, द वे ऑफ योर थिंकिंग इज चेंजिंग, इट मीन्स यू आर अ मास्टर। अगर आप बिल्कुल स्टबर्न होकर, नहीं मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मुझे ऐसा ही पसंद है, मैं ऐसा ही खाता हूँ, मुझे ऐसा ही बोलना पसंद है, मुझे ऐसा ही व्यवहार पसंद है, मुझे कहीं पर ज़्यादा मिक्सअप होना पसंद नहीं है, ऐसे जो आप आई मी और माई सेल्फ के शेल में अपने आप को बांध लेते हैं, तो दोस्तों आपको सही बताऊँ, आप मास्टर नहीं, आप सर्वेंट बन जाते हैं। और वो भी किसके, दूसरों के नहीं, सिर्फ अपने आप के। तो सोचिए, करने वाली बात तो है ना, इसीलिए हम आपको माइंड जिम में लेके आए हैं। दूसरी बात जो हमें बहुत बहुत याद रखने वाली है कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं कि नहीं। डू यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को शक्ति से भरते हैं, और कैसे। कुछ लोगों को रीडिंग करना पसंद है, कुछ लोगों को बातें करना पसंद है, कुछ लोगों को डांस पसंद है, तो क्या आप करते हैं कि नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं टाइम ही नहीं है, सैटरडे संडे जब टाइम मिलेगा तभी हम करेंगे। तो सोच लीजिए आप मास्टर हैं कि सर्वेंट है। तो कुछ जो लोग होते हैं उनको दूसरों को खुश रखना और खुश रहना बहुत पसंद होता है। तो देखिए क्या आप हैप्पी रहते हैं, क्या आप रहते हैं सच में रहते हैं, या परिस्थिति आई तो फिर मुरझा गए फिर हैप्पी हो गए, या फिर हमेशा हैप्पी रहते हैं हर सिचुएशन में। तो सोचिए और बताइए अपने आप को कि क्या आप हैप्पी हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट थिंग जो इसमें हेल्प करती है वो है, क्या आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी है। क्या आप सही टाइम पे योगा करते हैं, सही टाइम पे प्राणायाम करते हैं, आप कुछ अपनी टर्निंग रखते हैं, कुछ चीज इम्बाइब करते हैं, दूसरों से आपके व्यवहार कैसा है, क्या आप अपनी क्वालिटीज को या अपने स्पिरिचुअल जर्नी को या सोशल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, ये बहुत मैटर करता है। फिर आपका फोकस कैसा है, जैसे अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे सुन रहे हैं, क्या आपका माइंड इधर उधर विवर कर रहा है कि कब खत्म होगा, क्या है ये समझ नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा है, ऐसा तो नहीं चल रहा है। ये सब आपको बताएगा कि क्या आप फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर क्या आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स इन द सेंस कि कैसी भी सिचुएशन है क्या आपको बहुत शांतिपूर्ण नींद आती है। तो सोचिए, करिए अपने आप से बात, क्योंकि ये बताता है कि आप सर्वेंट है कि मास्टर है। फिर आप किसी भी सिचुएशन में बैलेंस रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, आपकी साउंड स्लीप या पीस ऑफ माइंड रहता है कि नहीं रहता है। ये सारी बातें आपको हमारे इस माइंड जिम में बताएंगी कि आप सर्वेंट हैं कि मास्टर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मिरर टेस्ट। जी हाँ, अब आती है
आपको अपने रिफ्लेक्शन को देखने की बारी। माइंड जिम में हम आपको शीशे के आगे नहीं कहते हैं खड़े होने के लिए, हम यहाँ पे आपको कहते हैं कि आप अपने आप से बात करिए, अपने आप को देखिए कि क्या आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या है वो रिलैक्सेशन टेक्निक? जब आप ब्रेथ अंदर लेते हैं, व्हेन यू सिट एंड यू प्रैक्टिस ब्रीदिंग, तो वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो आपको कैसा महसूस कराती है, कि आपको उसके लिए समय ही नहीं। सी योरसेल्फ, मिरर टेस्ट कीजिए अपने आप को, है ना, कि जब आप बैठे होते हैं रिलैक्सेशन के प्रोसेस में होते हैं, क्या आपके थॉट्स कहीं और तो नहीं विवर हो रहे हैं, या आपके थॉट्स आपके जिस डायरेक्शन पे चलना चाहते हैं वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी अवेयरनेस सेंसेशंस पे, आपकी ब्रेथ पे पूरी तरह से है कि नहीं, जो जो जहां जहां वो ब्रेथ जा रही है आपका माइंड उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपका माइंड आपके साथ कंट्रोल हो रहा है, सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें आपने अपने आप को देखनी है, ताकि ये चीजें आपको ये बताएंगी कि आप किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जी हाँ, जो बताता है कि हमें कुछ पल अपने लिए निकाल कर रिकॉल करना है। Yes, this is inner excellence. और इस inner excellence में हम करते क्या हैं? हम उन सभी को बताना चाहते हैं कि हम इस practice में करते क्या हैं। तो इस practice में हम आपको करवाते हैं short meditation, inner excellence की। और जो कुछ भी हमने अभी पूरे इस सफर में mind gym के इस episode number 11 में पढ़ा होता है, उसको आपके साथ recall कराते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको फिर से जर्नी पे ले जाते हैं इनर एक्सेलेंस की। जस्ट ट्राई टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, क्योंकि जिम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो कुछ सीखा है उसका रीकैप आपके माइंड के थ्रू होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ माइंड जिम। सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ। इफ यू आर होल्डिंग एनीथिंग इन योर हैंड, इन योर लैप, जस्ट कीप इट अपार्ट, सिट कंफर्टेबली इन एनी मुद्रा or the way you want to sit. You can even practice this while lying down. Aap let kar, bat kar, is practice ko kar sakte hain. If you want to keep your eyes open, you can keep your eyes open, but stick to one particular part. And if you want to close your eyes, you can close your eyes. It's all up to you. Try to get your attention towards this voice. Apna pura dhyan is awaaj par kendrit karenge. और देखेंगे कि मैं माइंड जिम के इस एपिसोड नंबर 11 से कनेक्टेड हूँ। इस एपिसोड में मैंने अपने आप को देखा और गहराई से समझा। मैंने ये देखा कि मेरे अंदर जो मेरा विवेक है, इंटेलेक्चुअल पार्ट है, इंटेलिजेंस है, उसको मुझे और बढ़ाना है, उसकी बात को बहुत गहराई से समझना है, उसे दिल से समझकर उतारना है। मेरा विवेक, मेरा इंटेलेक्ट, मेरा इंटेलिजेंस मेरे साथ काम कर रहा है, बहुत बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहा हूँ। जजमेंट पावर मेरी बहुत बढ़ रही है। सही और गलत को मैं देख पा रहा हूँ। इवन मैं बहुत बहुत पीसफुल महसूस कर रहा हूँ। ये शांति जो मेरे ही गले का हार है, जो मेरे ही भीतर है, जिसे किसी ने मुझसे नहीं चुराया है, ये मेरा ही अपना गुण है और मेरे साथ है। अब मैं अपने माइंड को रिलैक्स, ये शांति जो मुझे सारे एक्सपेक्टेशन से दूर लेके जा रही है, मैं कंटेंटेड कंपोज्ड फील कर रहा हूँ, स्ट्रेंथन फील कर रहा हूँ, सारी नेगेटिविटी से दूर एकदम पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। मैं जान गया हूँ कि योग से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, वॉक से, जॉगिंग से, इन सभी चीजों से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज हो रहे हैं, जो बैलेंस बना रहे हैं
मेरे माइंड में जो एकदम फ्री रेडिकल्स को मल्टीप्लाई होने से रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और मेरी बॉडी एकदम सिंक हो रही है, एकदम रिफाई हो रही है। मैं बहुत बहुत लाइट महसूस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मैं सर्वेंट नहीं बल्कि मास्टर हूं, अपने माइंड का एकदम मास्टर। मैं अपनी ब्रेथ को देख रहा हूं कि मेरी जो ये ब्रेथ है जो अब मैं लूंगा वो कैसे मेरे पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। Get all your attention towards your breath and take a deep breath in. और देखिए breath मेरे mind को relax कर रही है, मेरे दोनों eyes को relax कर रही है, मेरे चेहरे को relax कर रही है, मेरे दोनों कंधों को relax कर रही है, दोनों बाजुओं को relax। यही मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए एक एक मणके को रिलैक्स कर रही है। मेरा दिल एकदम शांतिपूर्वक धड़क रहा है, ये ऑर्गन्स शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, अंदर की मशीनरी एकदम रिलैक्स कर रही है। ये जो ब्रेथ है मैं फील कर रहा हूं कि नॉस्ट्रल से होते हुए सारी बॉडी से होते हुए पैरों तक पहुंच रही है। मैं इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा हूं, कनेक्टेड फील हो रहा है, बहुत बहुत लाइट फील कर रहा हूं। ये ब्रेथ पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रही है। आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम फिल्ड विद इंटेलेक्ट, I have the power to increase antioxidant in my body. I am completely relaxed and free. और अब मैं relax feel कर रहा हूँ। मैं अपने qualities को देखते हुए एकदम light feel कर रहा हूँ। Now, on account of three, I am back. 1, 2, and 3. Now gently rub your hands. और ये सारी की सारी एनर्जी हम अपने पूरे फेस पे, अब पूरी बॉडी पर इसको देंगे। तो इस तरह से हम अपने आप से कनेक्ट होकर कुछ पल निकाल कर अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, और ये माइंड जब रिलैक्स होता है तो हमें अलग सी नूर, एक अलग सा ऊर्जा अपने अंदर महसूस होती है। क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंग, इंटेलेक्चुअल पोर्शन सब एनलाइटन हो जाता है। पीस, लव, हैप्पीनेस सब अंदर ही अंदर महसूस हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने जो भी व्यूज हैं वो जरूर हमें लिखिए, ताकि हमें आपके मैसेज दिल से कनेक्ट हो। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस टाइम एंड सी यू इन अ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइंड जिम। टिल देन टेक केयर।